पट्टे पर के लेटा हुआ था उसके पीछे कमर पर जला हुआ था और गर्दन पर भी जला हुआ था लोग देखें तो डर के मारे भाग के चले आए क्या कि उस समय चार पाँच बजे कि सात से आठ लोग रहे होंगे जिसमें तार काटने के क्रम में वो एक चोर जैसे कि ऊपर ही जल गया है जल के गिर करके नीचे मर गया है सुबह ग्रामीणों ने सोच के लिए गए तो देखें पहले वहाँ पर एक को नट्टी काट करके फेंक दिया गया था उसके थोड़ा सा आगे आने पर पुल पर एक विश्वकर्मा पूजा में तकरीबन चार साल पहले मार के फेंक दिया गया था उससे थोड़ा आगे जाइएगा तो फिर एक हत्या करके फेंक दिया गया था कंटिन्यू सिलसिला जारी रहता है इस पर कभी थाना गश्ती भी नहीं करती है मर गया है क्या कुछ सच्चाई है सभी आदमी यहाँ के गांव का जो लड़का था और कुछ महिला और कुछ लड़ जो भी आदमी घूमने के लिए जाते थे वास करने के लिए भी जाते थे उस दौरान में जाते समय रास्ते में जैसे वहाँ पर पचभुमरिया पुल भी है और पुल के इधर एक खजूर का पेड़ है उसी जगह पोल का पेड़ भी था उसी जगह मतलब पाँच बजे का समय था तो लौट कर आए तो गांव में हल्ला किया तो सभी लोग यहाँ से गए देखें तो थाना वाला को फ़ोन किया थाना वाला आए और उस लाश को ले गए और वहां आगे जाकर देखा लाश के आगे जाकर देखा तो तार का बंडल बंधा हुआ था और कुछ निकला था उसका जेब से मोबाइल निकला था, था। अपना नाम की है देवी कौन सा जगह हुआ गोपालपुर सर बताएंगे कि यहाँ पर जो बिजली के तार काटने की जो कुछ इस तरह का हादसा हुआ है क्या कुछ सच्चाई है क्या आप देखे उखे किसके माध्यम ऐसी तकरीबन ये रात का घटना है जिस घटना में और देखने के बाद उसके बाद हमने भी सूचना आया तो हमने इस्पॉट पर गए स्पॉट पर जाने के बाद हमने मुसहरी थाना को सूचना किया सूचना करने के बाद वहाँ से चौकदार को भेजा गया चौकदार यहाँ पर आए उसके बाद उन्होंने अपना देख करके फिर बड़ा बाबू को फ़ोन किए बड़ा बाबू वहाँ से आए उसके बाद जैसे कि लाश छत बिछत में था जल गया था उसके बाद उसके एक पल से मोबाइल निकला है जिस मोबाइल पर एक सुबह आठ बजे फ़ोन आई थी उस पर बड़ा बाबू ने इधर से कॉल रिटर्न किया तो बोला कि हम उसके गाँव के ही हैं तो उसे एड्रेस पता लिया गया तो पता चला कि कोई मच्छू महतो का लड़का है लगभग पच्चीस पच्चीस छब्बीस साल का एज में था उसके बाद उसको, उसको घर वाले को सूचना दे दिया गया है वो अपना आएगा अपना थाना पर जो उसका कार्रवाई हुआ कार्रवाई किया जाएगा उसके बाद मुसरी थाना अपना लाश को ले गई पोस्टमार्टम के लिए यही जैसे कि सुबह घटना था और बहुत ही खराब स्थिति है क्योंकि वहाँ पर पहरेदार में चौदार को रखा जाता है जो कि आठ बजे नौ बजे ही भाग जाते हैं क्योंकि उनको गश्ती है एरिया ख़राब है तो उनको तकरीबन देर रात तक रहना चाहिए नौ बजे दस बजे तक तो कोई होता नहीं है सुबह तक ले उनको ड्यूटी देना चाहिए वहाँ पर लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है चौकीदार अपना साथ ही आठ बजे भाग जाते हैं तो जहाँ पे हादसा हुआ है यहाँ पर पहले से भी कुछ होते रहता है क्या हाँ इसे प्रस्ती करना चाहिए लेकिन ये लोग नहीं करते हैं प्रशासन का बहुत ही बड़ा लापरवाही माना जाता है यही है क्या अपना परिचय हुआ मेरा नाम गरीबनाथ कुमार तरोड़ा गोपालपुर ग्राम थाना मुसौरी जिला मुजफ्फरपुर यहाँ से लगभग जहाज पे हादसा हुआ है कितना दूरी होगा यहाँ से तकरीबन पाँच सौ मीटर की दूरी पर घटना हुई है और वहाँ से थाना का दायरा एक किलोमीटर पड़ता है सिर्फ एक किलोमीटर के दायरा में होता है घटना लगातार साल साल भर होते होते यह घटना ऐसा ही हो ही जाता है लेकिन यहाँ पर पुलिस प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं उठाती है वहाँ पर पहरेदार रखना चाहिए गश्ती करना चाहिए गश्ती वगैरह कुछ नहीं करती है So I